तो हेलो गाइस, मैं फिर भी एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहे, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है ये वाला भी, क्योंकि तो आप देख सकते हो गाइस, गार्ड रहे उनके साथ ब्लॉग बन चुका है। यूट्यूब चैनल पे बने रहे हमारे, ये हमारे घर के आस पास ही आ रखे थे, तो सोचा हम इनके साथ ब्लॉग बना लें एक। और आज बन गया है। मैं 2 रोज से सोच रहा था कि इनके साथ एक ब्लॉग आ जाए और आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोग पहचान जाओगे। और अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, गाँव के हैं, एक दो व्यक्ति ऐसे जो जानबूझ के लेट हो जाते हैं, उनका वेट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो मोदी जी की पोते हैं, उनका हमेशा ही वेट करना पड़ता है। आएंगे तो वो लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ये लोग हमेशा मेरे को वेट करवाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं। ये अंकल के लड़के हैं, यहीं पे घर 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 के आसपास ही रहते हैं, थोड़ी सी दूर पे इनका घर है। और हम लोग जा रहे हैं अभी, आप लोगों को मिलवाने ले जा रहे हैं। क्या चीज़ें आ रखी है देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे छोटे छोटे थे तो बहुत मज़े आते थे इनको देखने में, क्योंकि हम जाते थे, देखते थे, दूर से चिल्लाते थे और घर वाले देखने नहीं जाने देते थे। तो कहाँ है छोटा? ये छोटा है, ये मोदी जी का पोता है। इसको हमेशा, ये हमेशा मेरे को लेट करता है, कुछ भी हो तो मतलब वेट करना पड़ता है इसका। बहुत बहुत काम करता है, बहुत कम आ रहा है। लेट तो होना पड़ेगा। ये सरकार है, छोटे सरकार करके इंस्टाग्राम आईडी है, भाई को सर्च कर लेना। बहुत दबंग इंसान है, क्या ही बताएं, इनकी तारीफ करने में फूलों की बरसात भी करेंगे तो कम पड़ेगी। बस बहुत ज्यादा हो गया है ना। हाँ। देख लो, देखो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। पेंट फाड़ दे तो आप लोग देख सकते हो। देख सकते हो, उनको खिला रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं और बहुत सारे हैं। और ये घर के पास में आ रखे हैं, इसलिए आज मिलवाने लाए हैं हम लोग। गाड़ रहे उनसे और बहुत सारे हैं। और उधर हुट है, हुट उनसे भी मिलवाने ले जाएंगे बकायदा। आप लोगों को थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि वो लोग थोड़े ख़राब आते हैं, सुना है कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखा देंगे, हुट इधर हैं। और दिखाने ले जा रहा हूँ, रुकना 1 मिनट। छोटा भी आ रहा मेरे पीछे पीछे, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। हुट इधर है, कहाँ है और है हुट उधर है। और ये बहुत अजीब सा दिखता है, बहुत मज़े आते हैं देखने में। जब छोटे छोटे थे तो बहुत देखते थे। और ये डरा रहा है, ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, देखा, बहुत डरा रहा है। शेर है, अभी आया है 2-4 रोज से, फिर भी ले जाना पड़ेगा इसको, दिखाना पड़ेगा अपनी वाली गांव वाली, है ना, राजस्थान की दिखा रहा है वो। वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, अभी तो वो सब तो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी वो काम में व्यस्त है, तो मैं वो चीज़ें नहीं पूछ सकता उनसे। तो अभी मैं दिखा दूंगा क्या बनाया हुआ है, नहीं रहना रहता है। और खाना भी भारी बनता है उनका। और इनके उनके बर्तन वर्तन है जो भी है, और पूरा सिस्टम लगाया हुआ है वैसे। ये उनके लिए डाली वाली फिट कर रखी है, ताकि वो बाहर नहीं आ सके वो। और ये दादाजी सोए हैं। दादा राम, क्या आराम कर रहे हो, खाना वाना हो गया? वाह बढ़िया बढ़िया। तो आप मिलवाता हूँ मैं छोटे सरकार से, इनका इनके भाषण भी सुन लीजिए आप लोग, 2-4 शब्द बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। कम बोलते हैं पर अच्छा बोलते हैं, और थोड़ी बहुत मेरी सुन लेते हैं, पर हमेशा लेट हो जाते हैं, टाइम पे कभी एंट्री नहीं करते हैं। तो सरकार की डिमांड ऐसी रहती है कि अपने वाले कि नेता जल्दी टाइम पे आए और भाषण दे, पर छोटे सरकार हमेशा लेट हो जाते हैं, समझ सकते हो। ज़रा लेट आएंगे जब तो थोड़ा काम होगा जल्दी। डिमांड है ऐसा, मतलब वो समझाना चाहते हैं आप लोगों की, मेरी डिमांड है और मैं लेट होऊंगा तो भी चलेगा। और आ गए हम तालाब फाइनली गाइस, देख सकते हो व्यू, बहुत गंदा व्यू है, क्योंकि इधर आसपास क्या ही बताएं, बहुत गंदगी फैली हुई है, देख के चलना पड़ता है। ले क्या लाए छोटा मेरे लिए? हाँ आपका वीडियो आएगा यूट्यूब पे, आएगा। हाँ इधर
ये अगली बार कहाँ डेरा था तुम लोगों का, कहाँ पे डेरा था? और देखदा धसोड़ा। अभी यहाँ कितने दिन तक रुकोगे, यहाँ कब तक रुकोगे? आज फिर कहाँ जाओगे? मिला कपास मिले, कोई ठीक नहीं है ना। गाँव कब जाते वापस? गर्मी में जाते। गर्मी में कितना समय हो जाता है? गाड़ी में जाते हैं। ये सब लेके जाते गाड़ी में? नहीं, ये तो इधर ही। इधर ही पूरा परिवार उधर ही रहता है? वाह यार, अभी तो नहीं चल रही, पर ध्यान रखना। और क्या, साल में एक बार घर जाते हैं,